हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पॉइंट वाले नंबरों को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। पॉइंट को हिंदी में आप बुंदी या फिर हिंदी में दशमलव भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे डेसिमल कहा जाता है और अपनी भाषा में हम इसे इंग्लिश में पॉइंट भी कह सकते हैं। तो अगर पॉइंट लगा हो किसी भी नंबर में तो उसका गुणा किस तरह से करते हैं वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीख लेते हैं। आपके सामने दो नंबर लिखे हुए हैं, एक 43.021 और दूसरा नंबर है 5.3। तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो पॉइंट का मल्टीप्लाई करने से पहले आप सीखेंगे इसका मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, उसके बाद आप सीखेंगे कि पॉइंट किस तरह से लगाया जाता है। तो पहले देखिए इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। राइट से लेफ्ट साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर की तरफ। तो इधर 3 है, 3 का ऊपर वाले नंबर में इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, 3 बन जा 3 होता है 3 लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 2 जा 6 होता है 6 लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए तो 0 आएगा। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 3 3 जा 9 आता है 9 आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 3 4 जा 12 होता है 2 और 1 इस तरह से लिख देंगे। 3 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। इधर से इधर की तरफ हमें जाना है तो 3 के बाद हम 5 पर आएंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई फिर से राइट से लेफ्ट में इधर से इधर की तरफ करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए। उससे पहले आपको काम एक और करना पड़ेगा। जब दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो इधर की तरफ एक नंबर के नीचे क्रॉस का निशान आप लगा देंगे। उसके बाद 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 होता है 5 लिख देंगे। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 2 जा 10 होता है 10 लिखा जाता है इस तरह से। तो इसका ये वाला जो 0 है यहाँ लिखेंगे, इस तरह से 10 लिखा जाता है तो 0 यहाँ लिख दिया। और अगला नंबर जो है वो हमने 5 2 जा 10 का 0 और हासिल 1 अगले नंबर पर लगा देंगे। फिर से 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 5 0 जा 0 होता है 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तब यहाँ पे 1 इस तरह से आएगा। फिर से 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 जा 15 का 5 और हासिल 1 अगले नंबर पर लग जाएगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 5 3 जा 15 का 5 हासिल अगले नंबर पर 1 लग जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 4 जा 20 होता है, अब 20 में जितना ऊपर हासिल है वो भी जोड़ लेंगे, 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे 21 हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, लाइन को खींचने के बाद ये जो नंबर है इनको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 3 आ जाएगा। 5 और 6 11 की 1, हासिल 1 यहाँ पर लग जाएगा। 0 और 0 0 और 1 1 आएगा। 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 यहाँ लग जाएगा। 5 और 2 7 और 2 1, 5 और 2 7 और 1 8 यानी 8 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने नंबरों को जोड़कर लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट किस तरह से लगाते हैं यहाँ पर देखिए। राइट हमने आपको पहले ही बता दिया है, इधर से इधर की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ। तो इधर देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट है, राइट से देखेंगे 1 नंबर के बाद। तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 3 और 1, टोटल हो गए 4 नंबर के बाद, यानी कि 4 नंबर के बाद इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आंसर में। 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट साइड में इधर से इधर की तरफ, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 228.0113। ये आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट वाले नंबर का। तो मुझे उम्मीद है पॉइंट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुझे आपके लिए और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप बताना मुझे मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।